पूरे भारत के रियल एस्टेट में व्यापक विकास हो रहा है। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े शहर कोलकाता के साथ ही आसनसोल में भी रियल एस्टेट में यह विकास नजर आ रहा है। खासकर आसनसोल बाईपास में तो कई टाउनशिप और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इनमें ही एक प्रमुख नाम है वृंदावन रेजिडेंसी। इस प्रोजेक्ट को ADDA से NOC मिला हुआ है, जिससे ग्राहकों को यहाँ प्लॉट खरीदने और उस पर निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वृंदावन रेजिडेंसी आसनसोल के जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर सामडी मोड़ के निकट है। हाईवे पर होने के कारण किसी भी जगह के लिए आवागमन की सुविधा है। इस टाउनशिप को SP ब्रदर्स एंड कंपनी द्वारा APC इंफ्रा के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। तो वृंदावन रेजिडेंसी कैसी है और यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, आइए हम इसके प्रमोटर पार्टनर शनि छाबड़ा से जानते हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट वृंदावन रेजिडेंसी में, जो कि एक रेजिडेंशियल कम कमर्शियल टाउनशिप है। नमस्कार, मेरा नाम है सनी छाबड़ा और मैं आज आपको बताऊंगा इस खूबसूरत प्रोजेक्ट वृंदावन रेजिडेंसी के बारे, जो कि SP ब्रदर्स एंड कंपनी एंड APC इंफ्रा द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट NH2 से लगकर है। अगर आप न्यामतपुर न्यू रोड होते हुए आते हैं तो चौरंगी से आप राइट लेंगे और 2 किलोमीटर में आप इस प्रोजेक्ट में पहुँच जाएँगे, और अगर आप जुबली से आते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में आप इथोरा फ्लाईओवर क्रॉस करते ही ये प्रोजेक्ट आपका राइट हैंड साइड में पड़ता है और ये काफ़ी DPS स्कूल के काफ़ी क्लोज है। अब हम आपको बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे। ये प्रोजेक्ट 30 बीघा में फैला हुआ है, लगभग 10 एकड़। यहाँ पे हम आपको डुप्लेक्स अपार्टमेंट और प्लॉट्स के फैसिलिटी दे रहे हैं। एक टाउनशिप में रहने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमने एक यहाँ पे 10 कट्ठे के एरिया में आपको एक चिल्ड्रन प्ले पार्क दिया है, जहाँ पे वाटर फाउंटेन और इन फ्यूचर जितने भी रिक्वायर्ड झूले और ऐसी चीज़ें जो आप एक पार्क में देखते हैं वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। आप यहाँ पे आराम से 50-60 लोगों का एक गेट टुगेदर पार्टी भी कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी बना दिया गया है, स्ट्रीट लाइट्स ऑलरेडी लग चुके हैं एंड रोड भी, ब्लैक टार रोड भी बना दिया गया है। हमारा ये प्रोजेक्ट वृंदावन रेसिडेंसी 2022 अप्रैल में शुरू हुआ था और अगर आप देखें तो ये हाईवे का अभी तक का सबसे फास्टेस्ट डेवलपर है, क्योंकि ये जो डुप्लेक्स आप देख रहे हैं इस तरफ, ये इसमें से 2 डुप्लेक्स हमारे कस्टमर के ही हैं, जो कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे रहने आ जाएंगे। और उसके अलावा हमारे सैम्पल डुप्लेक्स हैं एंड बहुत ही नियर फ्यूचर में हम यहाँ पे कम से कम 10-12 डुप्लेक्स और बनाने वाले हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर खुद अपने घर बना रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट में आपको बहुत ही आराम से ADDA NOC अवेलेबल है, साथ में कन्वर्टेड प्लॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आपको किसी भी तरीके का पेपर वर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हमारे पास ऑलरेडी एक कस्टमर है जिनका हमने SBI से लोन सैंक्शन करवाया है यहाँ पर, तो जिसका ये मतलब है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर या ग्राहक जो अपना घर यहाँ बनाना चाहता है, वहाँ उसे किसी भी तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेटेड टू पेपर वर्क। वृंदावन रेसिडेंसी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह में लोकेटेड एक रेसिडेंशियल कम कमर्शियल टाउनशिप है। फ्यूचर में हमारा कमर्शियल डेवलपमेंट भी होगा, जहाँ पे आपको शोरूम्स भी जल्दी दिखेंगे और साथ में मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ आएंगी। इस प्रोजेक्ट के बारे और जानकारी जानने के लिए आप इस प्रोजेक्ट पे विज़िट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप खुद आकर देखें और कैसा ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, किस तरीके से कस्टमर यहाँ पर ज़मीन लेके घर बना पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।